अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अल्लाह की कुदरत चैनल। दोस्तों, पानी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। पानी के बगैर हम जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस वीडियो में बात करेंगे दो अजीबोगरीब लोगों की। एक ऐसी औरत जो पिछले 20 साल से पानी के अंदर रहती है, और एक ऐसा आदमी अगर वो रोजाना 100 ग्लास पानी ना पिए तो ये मर जाएगा। ये दोनों कहानियां बड़ी दिलचस्प हैं, इनको सुनकर आपको हैरत जरूर होगी। इंडिया के वेस्ट बंगाल में एक गांव है जहां एक 66 साल औरत रहती है। इस औरत का नाम पतोरानी होश है। ये औरत पानी के लिए इतनी ज्यादा जुनूनी है कि पिछले 20 सालों से ये इस गांव में मौजूद झील के अंदर रहती है। ये दिन के 16 से 18 घंटे इस झील के अंदर गुजारती है। इसको सिर्फ नींद पूरी करने के लिए पानी से बाहर लाया जाता है। पिछले 20 साल से ये औरत रोजाना सुबह इस झील के अंदर चली जाती है जहां ये पानी में ठीक से खड़ी रह सके। इसका मुंह पानी से बाहर होता है और अगले 16 से 18 घंटे इसी तरह पानी में खड़ी रहती है। कहते हैं कि पतोरानी नामी इस औरत को 1999 में एक बड़ी पुर इसरार बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी बॉडी जलना शुरू हो जाती थी, लेकिन पानी के अंदर आकर इसको सुकून मिल जाता था। और फिर ये औरत अपने गांव की इस झील में अपने दर्द को कम करने के लिए जाना शुरू हो गई। और अब इस बात को 20 साल गुजर चुके हैं। जो ही रात होने लगती है, इसको पानी से बाहर निकाल लिया जाता है ताकि ये अपनी नींद पूरी कर सके। इस गांव के लोग बहुत गरीब हैं और इसकी फैमिली इसके इलाज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये औरत इंडिया में जलपरी के नाम से भी मशहूर है। ये खाने में चावल और सब्जी खाती है। इसको खाना भी पानी के अंदर खिलाया जाता है। इसको लगता है कि पानी इस औरत की स्किन को सूरज की शुआओं से महफूज रखता है। जब ये औरत पानी में होती है तो इसके रिश्तेदार आकर इसको देखते रहते हैं कि ये ठीक तो है। इस गांव के लोगों का मानना है कि एक दिन पतोरानी इसी झील का हिस्सा बन जाएगी। बहरहाल, पिछले 20 सालों से पानी में अपनी जिंदगी गुजारने वाली ये औरत काफी मशहूर हो चुकी है। दूसरी हैरतअंगेज कहानी जर्मनी से है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसको रोजाना 100 ग्लास पानी पीना पड़ता है, वरना ये मर जाएगा। 36 साल का ये लड़का जर्मनी में रहता है और एक इंतहाई अजीबोगरीब बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से इसे आम इंसानों से ज्यादा प्यास लगती है। इतनी ज्यादा प्यास के अगर ये एक दिन में 100 ग्लास यानी अगर 20 लीटर पानी ना पिए तो ये मर सकता है। मार्क के बारे में इसके वालदैन को इसके बचपन में ही एहसास हो गया था कि इसको आम लोगों से ज्यादा प्यास लगती है। डॉक्टर्स भी हैरान थे क्योंकि ये एक बहुत ही अनोखा केस था। जैसे जैसे मार्क बड़ा होता गया तो ये बात वाज़े हो गई कि पानी पिए बगैर एक घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता। मार्क के घर के अंदर पानी की बॉटल्स का एक बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद होता है। ये कुछ भी कर रहा हो, इसको अपने साथ पानी चाहिए होता है, वरना ये डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। इसको रोजाना की बुनियाद पर 100 ग्लास यानी 20 लीटर पानी पीना होता है। रात को सोते हुए भी इसकी आंख खुल जाती है और इसको पानी पीना पड़ता है। और अगर ये पानी ना पिए तो इसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और इसकी याददाश्त भी जाने लगती है और ये बेहोश भी हो सकता है और इसके बाद इसकी जान भी जा सकती है। इसको हर आधे घंटे बाद टॉयलेट भी जाना पड़ता है। इसकी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन इसने ऐसे ही जीना सीख लिया है। वैसे मार्क अब पहले से काफी बेहतर है। इसकी इस कंडीशन का अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयों से इसकी हालत को बेहतर किया गया है। बहरहाल, मार्क की कहानी काफी दिलचस्प है। खैर, आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।